हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 24 दिसंबर में को हुए सीटेट एग्जाम के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लाई हूँ। हो सकता है कि क्वेश्चन लाइन व लाइन ना मिले, लेकिन उस पर आधारित क्वेश्चन आए थे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए उसका वही ऑप्शन हो क्वेश्चन में, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। इस तरह से मैंने क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किया है और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस ऑफ एडाप्टेशन, अनुकूलन की दो बुनियादी पूरक प्रक्रियाएं क्या हैं? इसमें ऑप्शन हमारा है अकोमोडेशन, निवास स्थान नहीं करते हैं यहाँ पर, कहते हैं अनुकूलन की दो दी आवश्यकताएं क्या क्या है। तो एकोमोडेशन मतलब कि उसको स्थान देना, एकोमोडेट करना जिसको कहते हैं। दूसरा है असिमिलेशन, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मतलब अकोमोडेशन और असिमिलेशन बोथ, और दोनों में से कोई नहीं। तो हमें इसमें से सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस जो है एडाप्टेशन का बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन ये पियाजे की थ्योरी से दिया गया है, और इसका दोनों ही बेसिक जो थ्योरी है एडाप्टेशन क्या है, उसमें है कि नया इंफॉर्मेशन को हम अपने और नए एक्सपीरियंस को एडजस्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, एडाप्टेशन में क्या होता है कि नया जो भी चीज आता है उसको हम अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। तो पियाजे के थ्योरी के अनुसार एडाप्टेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि संज्ञानात्मक विकास को गाइड करता है। और एडाप्टेशन प्रोसेस दो तरह से होता है, पहला होता है एकोमोडेशन और दूसरा होता है असिमिलेशन दोनों। इसलिए आंसर इसका है सी, ठीक है, आंसर इज सी। तो ये मतलब स्कीमा है, पहले तो उन्होंने बताया कि स्कीमा जो है वो मेंटल स्ट्रक्चर होता है, कॉग्निटिव, पियाजे के थ्योरी में कॉग्निटिव या मेंटल स्ट्रक्चर है जो कि पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। और उसके बाद जो है कि वर्ल्ड को, अपने अराउंड जो वर्ल्ड है उसको समझने के लिए वो स्कीमा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एडाप्टेशन भी एक स्कीमा है जो बताता है कि कैसे लोग नया इंफॉर्मेशन को समझता है और अंडरस्टैंड करता है। तो अडाप्टेशन थ्रू अडाप्टेशन कैसे कैसे होता है, तो अडाप्टेशन होता है पहला तो एसिमिलेशन में, कि इंफॉर्मेशन जो बाहर से मिलता है उसको वो अपने एग्जिस्टिंग आइडिया में, या बच्चा जो है वो अपने एग्जिस्टिंग आइडिया में, माइंड में जो आइडिया है उसके साथ उसको जोड़ता है ताकि वो उसके साथ फिट हो सके। तो न्यू इंफॉर्मेशन कभी कभी क्या होता है कि तुरंत असिमिलेट हो जाता है एग्जिस्टिंग जो भी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि कोई बच्चा किसी कुत्ते को पहली बार देखता है, डॉग को, और वो पहले जानता होता है कि क्या कैट क्या होता है, तो वो क्या होगा कि वो कैट के स्कीमा के साथ डॉग को, डॉग की जानकारी को जोड़ लेगा कि दोनों स्मॉल हैं, दोनों का फर होता है, चार लेग्स है, और ये इसके बाद वो डॉग को ये करेक्टिंग, फिर बाद में जब उसको वो सुधारता है, करेक्टिंग मिस्टेक, जब वो डॉग को, कैट को डॉग समझने लगता है, वो उसको एकोमोडेशन के थ्रू फिर अडॉप्ट करता है। एकोमोडेशन में क्या करता है कि नया इंफॉर्मेशन जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन में नए इंफॉर्मेशन के साथ फिट करने में, तो जब नया कोई भी इंफॉर्मेशन आता है जो कि बिल्कुल नया है और वो उनके एग्जिस्टिंग आइडिया को चैलेंज कर रहा है, जो उनके पास ऑलरेडी आइडिया है, तो वो नए स्कीमा को बनाते हैं और उसको फिर एकोमोडेट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को। तो इसलिए इसे हम प्री एग्जिस्टिंग आइडिया के साथ नए आइडिया को
फिट करते हैं। तो ये दोनों सिद्धांत जो है ना एकोमोडेशन और एसिमिलेशन एडाप्टेशन के कम्प्लीमेंट्री प्रोसेस हैं, अनुकूलन की बुनियादी प्रक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन का मतलब एकदम सेम ये नहीं होगा, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो, उसके लाइन सेम ना हो, ऑप्शन सेम ना हो, मगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन। टू इनकल्केट मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों को विकास करना। टू इनकल्केट सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों को विकास करे। कौन सा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। टू इनकल्केट पॉलिटिकल वैल्यूज, राजनीतिक मूल्यों का विकास करने के लिए। या टू इनकल्केट इकोनॉमिक वैल्यूज, आर्थिक मूल्यों को। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू एजुकेशन है तो ये मॉरल नैतिक मूल्यों को विकास करने के लिए है, इसलिए इसका आंसर तो हो गया ए, ठीक है। और वैल्यूज क्या है, वैल्यूज हर कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है, उस हर संस्कृति का एक हिस्सा है, और जो जिसमें कि बहुत सारे बिहेवियर पर जो लोगों के बिहेवियर पर या और अपने हर कल्चर का अपना बिलीफ होता है जो उसके लोगों पर उसके बिहेवियर पर लोगों के बिहेवियर पर प्रभाव डालता है। हम लोग अपने वैल्यूज़ कैसे सीखते हैं, मॉरल्स कैसे सीखते हैं, तो अपने घर में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, या अपने कम्युनिटी जो हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग हैं जहाँ हम रहते हैं वहाँ से सीखते हैं। तो वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं, वैल्यूज़ पेरेंट्स से आते हैं, टीचर्स से आते हैं और रिलीजियस लीडर्स से आते हैं। तो NPE जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने वैल्यू एजुकेशन पर बहुत जोर दिया और बोला कि एजुकेशन को फोर्सफुल टूल बनाना है ताकि लोगों में बच्चों में मॉरल वैल्यूज को इनकल्केट किया जा सके। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर और आदतों को डेवलप करना है, विकसित करना है। और वैल्यू एजुकेशन का एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है, मतलब ज्ञानात्मक पक्ष इसका यह है कि ये शिक्षा में इसे इग्नोर नहीं करना है। एक्चुअली क्या है कि मॉरल जजमेंट जो भी हम लेते हैं या नैतिक जजमेंट किसी चीज़ के लिए करते हैं तो वो क्या है कि उस वो हम किसी भी नैतिकता को अपनाने के लिए जो बाध्य होते हैं वो एजुकेशन के जरिए कल्टिवेट होना चाहिए। मॉरल वैल्यू कनेक्ट होते हैं ह्यूमन के मौलिक जो इमोशंस होते हैं, जो संवेग होते हैं, जो अनुभव होते हैं, और वो हमें मोटिवेट करते हैं एक डिस्टिंक्टिव वे में हमारे व्यवहार को करने के लिए। हमें वो फोर्स करते हैं या मोटिवेट करते हैं कि हम सर्टेन व्यवहार को करें, अगर नहीं करते हैं तो वो हमारे सोशल और मतलब वो सही नहीं माना जाता है। सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वैल्यूज तो एजुकेशन के दूसरे स्ट्रीम से आता है। तो वैल्यू एजुकेशन का एम है वैल्यू मॉरल वैल्यूज को इनकल्केट करना जो कि हमारे कल्चर का है, जो उसे हमें अपने बिलीव और हमें बिहेवियर में लाना है। अगला क्वेश्चन है, ये पियाजे का क्वेश्चन है, जीन पियाजे पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि विच ऑफ द अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल लॉजिक एंड लर्निंग रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त तर्क और तर्क कौशल सीखते हैं किस एज में, किस एज में सीखते हैं हमें ये बताना है। तो चार स्टेज में उन्होंने बांटा है, सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 to 2 years होता है, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 years, फॉर्मल ऑपरेशनल 7 to 11, और 12 से ऑनवर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल। फॉर्मल होता है 12 से ऑनवर्ड और ये होता है 7 to 11 कंक्रीट। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है उसमें हम बच्चों में अमूर्त, ये जब 12 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, ये 12 से ऊपर का है 12 ऑनवर्ड बच्चे होते हैं, तब उस मूड में एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल डेवलप करता है, ठीक है। और ये कॉन्क्रीट जो है ना ये 7 to 11 साल के बच्चे होते हैं, यहाँ पर 12 ऑनवर्ड, और ये हो गया
यहाँ 0 to 2 और 2 to 7 ईयर्स। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना बच्चों का, वो कब शुरू होता है? डिफरेंट रेट पे, अलग अलग स्टेज में अलग अलग रेट से होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो बच्चे जब अपने वातावरण से इंटरेक्शन अंतःक्रिया करते हैं तब उनके ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास होता है। पियाजे का थ्योरी जो है केवल अंडरस्टैंड इस पर नहीं फोकस करता है कि बच्चे कैसे नॉलेज अक्वायर करते हैं, बल्कि वो बच्चों के इंटेलिजेंस और के नेचर को भी समझने पर जोर देते हैं। तो पियाजे के अनुसार फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड जो होता है जहाँ बच्चे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल को डेवलप करते हैं, उनके मेंटल कैपेबिलिटीज मैक्सिमम लेवल पर डेवलप होती है। मैक्सिमम इसके बाद मतलब सबसे ज़्यादा पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, या कहें कि विकास के चरम पूर्णता को प्राप्त करने की दिशा में होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है, चिल्ड्रन कैपेबल होते हैं इनका परिकल्पना करने में और सामान्य से विशिष्ट की ओर आने में, डिडक्टिव रीजनिंग करने में और अब्स्ट्रैक्ट और साइंटिफिक थिंकिंग करने में बच्चे समर्थ होते हैं। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। सेंसरी मोटर स्टेज में जो होता है ना 0 to 2 years में बच्चे अपने सेंसेस से सब चीज़ों को समझते हैं। फिजिकल इंट्रैक्शन जब वो ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, टच करते हैं, देखते हैं, तब उनका सेंसेस उनका ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। ये यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे मेमोरी, क्यूरियोसिटी, ये सब चीज़ उनका डेवलप होता है और वो चीज़ों को सिम्बॉलिकली समझने लगते हैं। यहाँ पर इनकी थिंकिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगो सेंट्रिक होता है और वो दूसरे के व्यू पॉइंट्स को नहीं समझते, दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि वो अपने थॉट और दूसरे के थॉट के साथ समझ सकते हैं, अंतर कर सकते हैं कि ये हम मेरा कहना है दूसरे की बात में क्या अंतर है, ये समझ पाते हैं और वो ऑब्जेक्ट को नंबर से या उनकी मात्रा से समझ सा पाते हैं, बता पाते हैं, लॉजिकली थिंक कर सकते हैं किसी भी घटना को और किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इसका आंसर हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन है फिर पियाजे से है। इस बार पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है ज़्यादा, ऐसे पियाजे से तो क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है। ये है कि ये पियाजे के अनुसार इसमें से ये क्वेश्चन का हिंदी गलत हो गया है, इसको हम ठीक कर दें। अनुसार कौन सा चरण नहीं है? तो जीन पियाजे के अनुसार चरण संज्ञानात्मक विकास का नहीं है। ठीक है, तो ये चार दिए गए हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, सेंसरी मोटर पूर्व संचालन है, पोस्ट ऑपरेशनल नहीं है। तो ये आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि ये पियाजे के चार स्टेजेस में नहीं है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, तो इसमें से क्या कहना है कि पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डिफरेंट रेट पर डिफरेंट स्टेज में होता है और ये इंटरेक्शन होता है चाइल्ड के और उसके वातावरण में जब अंतःक्रिया होती है तब ये डेवलप करता है। तो चार स्टेजेस में सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, पोस्ट ऑपरेशनल नहीं है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसको अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग which level of moral development of a child shows no internalization of moral values and moral reasoning of the child is controlled by external rewards or punishment? Kohlberg के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास का कौन सा स्तर नैतिक मूल्यों का कोई आंतरिकरण नहीं दर्शाता, बच्चे नैतिक तर्क को बाहरी पुरस्कार और दंड से नियंत्रित किया जाता है। इसमें चार ऑप्शन है, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल और
यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो इसमें आंसर है प्री कॉन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक स्टेज में, इसको हम समझते हैं। पूर्व पारंपरिक, लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिया, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। उनका कहना था कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कुछ उन्होंने 6 स्टेज में बांटा, 6 स्टेजेस में बांटा। और उन कोलबर्ग का कहना था कि प्री कॉन्वेंशनल जो लेवल है वो मोरल डेवलपमेंट का चाइल्ड में कोई मोरल वैल्यूज का इंटरनलाइजेशन, आंतरिकरण नहीं दिखाता है, क्योंकि इस लेवल में मोरल रीजनिंग जो होता है बच्चे का वो या तो बाहरी पुरस्कार या दंड से नियंत्रित किया जाता है। मतलब बच्चा जो भी बिहेवियर करता है वो दंड के डर से या पुरस्कार के लालच से करता है। तो इसको हम ये लेवल को समझते हैं। उन्होंने 3 लेवल बताया जिसको अलग अलग कलर से दिखाएंगे। लेवल 1 में उन्होंने 2 स्टेज बताया। पहला स्टेज में था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ये स्टेज में बच्चा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट पर आधारित व्यवहार करता है, या तो वो पनिशमेंट के डर से या सजा पाने के डर से वो अथॉरिटी का की बात मानता है और ओबीडियंस दिखाता है। दूसरा, ये लेवल 1 को हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। ये लिखना प्री कन्वेंशनल लेवल जो है ना, ये लेवल 1 है। इसमें 2 स्टेज है, पहला स्टेज 1 और स्टेज 2। तीनों को हम अलग अलग कलर से दिखा देंगे ताकि आप, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यहाँ क्या होता है कि यहाँ बच्चा जो होता है ना, तो राइट बिहेवियर जो होता है कि जो यहाँ पर बच्चों का होता है कि जो मेरे इंटरेस्ट में है वही बिहेवियर सही है, और यहाँ दूसरा बिहेवियर एक्सचेंज का क्या होता है जिसमें वो टिट फॉर टैट, जो उनको मारेगा उसको वो मारेंगे, जो उनको प्यार करेगा उसको वो प्यार करेंगे। तो ये एक्सचेंज हो गया, और इंडिविजुअलिज्म में हो गया कि राइट बिहेवियर वही है जो कि मेरे इंटरेस्ट में है, जो मुझे पसंद है। दूसरा लेवल है कॉन्वेंशनल लेवल, इसको मैं ऊपर लिखती हूँ। लेवल 2 इज कॉन्वेंशनल लेवल। इसमें भी 2 स्टेज हैं, स्टेज 3 में क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, मतलब गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड। यहाँ पर बच्चा गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए कोई भी बिहेवियर करता है ताकि उसे गुड बॉय या गुड गर्ल समझा जाए, और इस रूप में गुड बॉय गुड गर्ल कहलाने के लिए वो समाज के रोल्स, सोशल रोल्स को करते हैं ताकि उन्हें समाज में बढ़ाई करें, लोग उनकी तारीफ करें। स्टेज 4 में अथॉरिटी एंड सोशल रोल एंड सोशल ऑर्डर। इसमें क्या है कि ये लॉ एंड ऑर्डर, समाज के नियमों को मानना, जो चल रहा है उसके हिसाब से करना है। यहाँ पर बच्चों का ये आइडियल होता है, हाईएस्ट आइडियल होता है समाज के नियमों का पालन करना। फिर अगला है पोस्ट कॉन्वेंशनल, जिसको फिर मैं अलग लेवल 4 यहाँ पर लिखती हूँ। लेवल 3, 4 है ही नहीं, इसको कहते हैं पोस्ट कॉन्वेंशनल। इसमें भी 2 स्टेज हैं, कोलबर्ग ने दिए हैं। पोस्ट कॉन्वेंशनल में ये लेवल है, इसका पहला स्टेज 3 तक 4 तक हमने देखा। स्टेज 5 क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये बच्चा समझने लगता है कि दूसरे के वैल्यूज अलग होते हैं,
और लॉ जो है सो हर कल्चर का अलग अलग होता है, ये समझ में आने लगता है और बच्चे जो है यहाँ लोगों के अलग अलग वैल्यूज को भी सीखना सीख शुरू करते हैं। और स्टेज सिक्स होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल में क्या होता है कि अगर वो समाज के नियमों को पालन करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, कानून का पालन करते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो वो नियम को तोड़कर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ हम कंक्लूड करते हैं कि कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है जो बच्चे का, उसमें कोई मॉरल वैल्यूज का अंतरीकरण नहीं दिखाता है, मॉरल रीजनिंग नहीं दिखाता है, यह केवल रिवार्ड और पनिशमेंट के डर से होता है। ये लेवल वन की बात है कन्वेंशनल लेवल में। और फिर अगला क्वेश्चन है उसमें वो फिर एक्सचेंज इंडिविजुअलिज्म भी होता है, अपना व्यवहार उसका जो मेन होता है अपने व्यवहार पर आधारित होता है, राइट बिहेवियर जो कि उसके इंटरेस्ट में होता है, और अदरवाइज वो जैसे को तैसा रिटर्न देता है, मतलब एक्स बिहेवियर का एक्सचेंज, जैसा जो जैसा उसके साथ करता है उसके साथ वो वैसा ही करने की कोशिश करता है। फिर ये क्वेश्चन है इसका इसके साथ भी हो सकता है कि सेम लैंग्वेज ना हो क्वेश्चन हो, बट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पर क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन मैंने लिया है, तो उसके लैंग्वेज में मैं अगेन कह रही हूँ कि लैंग्वेज डिफरेंट होगा, ऑप्शंस डिफरेंट होगा, बट क्वेश्चन टॉपिक यही है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड शुड स्टडी इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विच वुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल्स, व्यावसायिक शिक्षण केंद्रों में उन्हें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए ताकि जो उन्हें जीवन के कौशल के लिए तैयार करेंगे, एट होम विद देयर पेरेंट्स, घर में बच्चों के साथ पेरेंट्स के साथ पढ़ना चाहिए ताकि वो सही देखभाल और आवश्यक सहायता प्रदान करें, इन स्पेशल स्कूल्स क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम, विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में अध्ययन करना चाहिए, और इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विद प्रोविजन टू कैटर देयर इंडिविजुअल नीड्स, उन्हें उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान देते हुए उन्हें समावेशी शिक्षा में व्यवस्था में पढ़ाना चाहिए। आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव वाला देना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, क्योंकि इन्हें सब बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा क्या होता है जिसमें सारे बच्चों को हर तरह के मतलब हर तरह के बच्चे, जाति धर्म या शारीरिक विकलांगता सबके साथ, सब बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है ना, ये क्या इंश्योर करता है कि हर बच्चा, ईच चाइल्ड ऑफ 6 to 14 years मस्ट बी गिवन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये तो है, इसमें तो कहीं नहीं मेंशन किया है कि अगर वो विशेष आवश्यकता का है तो उसे दूसरी जगह पढ़ाना चाहिए, बस कंपलसरी एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को देता है और फंडामेंटल राइट है, जैसे कि ये लॉ के द्वारा है, किसको कोई मना नहीं कर सकता है, अगर मना करेगा तो कानूनी एक्शन हो सकता है। RTE, इसे RTE भी कहते हैं, RTE 2009। इस एक्ट के तहत स्कूल को ये इंश्योर करना होता है कि सभी बच्चों को, स्पेशल नीड के हों बच्चे या डिसेबिलिटी हो तो उन्हें स्कूल में लेना है, इंक्लूजन करना है, समावेशित करना है। समावेशी का मतलब ही है सभी तरह के बच्चों को साथ लेकर सब तरह के बच्चे एक ही कक्षा में क्लास करेंगे, और चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ने चाहिए और उनके लिए जो उनकी व्यक्तिगत जरूरत है शिक्षक उनके हिसाब से उनकी व्यवस्था करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बताता है जिसमें कि सभी बच्चों को एकोमोडेट किया जाता है, सभी बच्चों को शामिल किया जाता है, चाहे उनका फिजिकल प्रॉब्लम हो, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, किसी भी तरह की दिक्कत हो या किसी भी कंडीशन में हो, उन्हें सबको एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाने की बात की कही जाती है। ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन को या चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड होते हैं उन्हें भी नॉर्मल
चिल्ड्रन के साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाने की बात कही गई है। ये स्कूल पॉलिसीज को फिर से बनाया गया है और टीचिंग प्रैक्टिस को इस तरह से किया गया है कि ताकि इन स्पेशल बच्चों की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर उन्हें वैसी सुविधा मुहैया कराई जा सके। इसके लिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन को सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। इसलिए इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? टीचर्स आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। शिक्षक सूचना और अधिकार के प्रवर्तक हैं। नॉलेज ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन, मतलब सहयोग। लर्निंग प्रोसीड्स इन ए स्ट्रेट वे और फैक्चुअल गैदरिंग एंड स्किल मास्टरिंग। तथ्यात्मक एकत्रीकरण, तथ्यों का एकत्र करने से और कौशल को में निपुणता प्राप्त करने के साथ सीखना जो है सो आगे बढ़ता है। लर्निंग कैसे कैसे बढ़ता है? सीधा तो स्किल में मास्टरी करने से और तथ्यों का एकत्र करके जानने से। और एग्जामिनेशन इज नॉन रेफरेंस्ड एंड एक्सटर्नल, मतलब कि नॉन रेफरेंस्ड का मतलब है कि एक ग्रेड के बच्चों के लिए एक साथ एग्जाम होगा, एक एज ग्रुप का एक ग्रेड के बच्चों का एक जैसा क्वेश्चन होगा, एक जैसा एग्जाम होगा और उनकी रैंकिंग होगी। नॉर्म होता है ग्रेड का, क्लास का और एज का। और बाहरी मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर से एग्जाम का क्वेश्चन आए। तो इसका आंसर है नॉलेज इज जनरेटेड। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसमें करके सीखने का प्रत्यक्ष अनुभव के और सहयोग के माध्यम से ज्ञान पर जोर दिया जाता है। ये प्रगतिशील शिक्षा जो है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो बच्चों को फ्रीडम देने की बात करता है कि सीखने का अधिगम का फ्रीडम मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए बच्चों के अपने प्रेफरेंस और उनकी पसंद के हिसाब से। और इससे ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पर बच्चों को कराई जाती है जो कि बच्चों का हारमोनियस ग्रोथ हो, सामंजस्यपूर्ण विकास हो और उनके एटर्नल उनके वैल्यूज में वृद्धि हो। और ये इस बिलीफ पर काम करता है कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करे, शिक्षा बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करे, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे और उनके जो लर्निंग है उनका अधिगम जो है उनके एक्सपीरियंस से हो, करके सीखें। रोट लर्निंग या रट के पढ़ने की बात से ये बिल्कुल विपरीत है। ये करके सीखने की बात करता है, ना कि रट के कर सीखने की बात करता है। यहाँ पर बच्चों को एक स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर दिया जाता है, इसमें हर बच्चे को इक्वल मौका दिया जाता है। यहाँ डेमोक्रेटिक क्लाइमेट क्या होता है कि बच्चे को मैक्सिमम अवसर मिलता है ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सके, अंतःक्रिया कर सके, मिलकर काम कर सके और टीचर उनको इन सब चीज में सहूलियत प्रदान करता है और टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर जो होता है क्लास में, उससे बच्चे लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस बच्चे को जो कोई चीज ज्यादा आता है तो वो दूसरे को सिखाता भी है, इससे बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक भी एक दूसरे का मिलता है। तो इसलिए ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वहाँ पर नॉलेज कैसे जनरेट होता है, एक्सपीरियंस से और सहयोग से। डिसेबिलिटी टू रीड एंड राइट इज, पढ़ने और लिखने में अक्षमता को हम क्या कहते हैं, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया। आत्मकेंद्रिता, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया या चेष्टा अक्षमता। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ना, अधिगम अक्षमता जिसको कहते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि संज्ञानात्मक बाधित करता है लोगों को। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डिसलेक्सिया क्या है
ये रीडिंग राइटिंग के में डिफिकल्टी जो होती है, जिनको पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है, उस पढ़ने में दिक्कत होती है उसे हम डिसलेक्सिया, पढ़ने लिखने में जिसे दिक्कत होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ पर लर्निंग, ये बहुत कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है। उसमें क्या होता है, ये बच्चे शेप, बच्चों अक्षर के शेप को सी में गड़बड़ होता है, उनको बी में गड़बड़ होता है, उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा शेप दिखता है, वो रीड नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड समझ नहीं पाते हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। शेप्स और साउंड्स ऑफ अल्फाबेट जो होता है उससे वो कंफ्यूज होते हैं, और ये डिसेबिलिटी जो है इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें एक आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में क्या होता है कि इसमें राइटिंग डिसेबिलिटी होती है, राइटिंग में डिसकैलकुलिया जो होता है, डिसकैलकुलिया ये मैथमेटिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। डिसफेसिया में क्या होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें बातचीत कम्युनिकेशन स्किल की कमी हो जाती है, कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन स्किल कम स्किल। डिस्प्रेक्सिया क्या है, डिस्प्रेक्सिया दूसरे कलर से लिख देते हैं यहाँ पर। डिस्प्रेक्सिया जो है वो मोटर डिसऑर्डर है, जिसमें कि आप कोई काम करने में आपको दिक्कत होती है, हाथ और माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, और उसमें टंग या लिप्स का भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। मोटर डिसऑर्डर साउंड प्रोड्यूस करने में दिक्कत होती है, लिप्स और टंग का कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है। फिर एफेसिया, एफेसिया में क्या होता है, एफेसिया है ये लैंग्वेज, ये भी कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, इसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। और ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है और वो किसी पर ध्यान नहीं देता, वो खुद से ही बातें करता है और लोगों से मिलने जुलने में घबराता है। एप्रेक्सिया में क्या है, स्किल मूवमेंट में दिक्कत होती है। एप्रेक्सिया में इन पर्टिकुलर कोई एक्शन होता है जिससे ये ब्रेन डैमेज हो जाता है और उसमें कोई एक्शन करने में दिक्कत होती है। तो ये सारी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसे अलग अलग नाम दिया गया है। अगला है, सब मिक्स क्वेश्चन है इसलिए मैंने जो भी क्वेश्चन मिला सब ले लिया, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो झूम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था, व्हाट इज झूम, तो हम इट इज अ नेम ऑफ रिवर, अ फोक डांस, एक जनजाति और ये ट्राइब, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का एक रूप है झूम। झूम इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ये फार्मिंग मेथड है। ये किसी भी लैंड में क्या होता है कि फील्ड बनाने के लिए कुछ पेड़ों को काट दिया जाता है, वेजिटेशन को काट कर, और वहाँ खेती की जाती है। यह ओल्डेस्ट प्रैक्टिस है, ओल्डेस्ट प्रैक्टिस, झूम कल्टीवेशन इज द ओल्डेस्ट प्रैक्टिस, सबसे पुराना तरीका है एग्रीकल्चर का, झूम फार्मिंग को कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसे हम स्लैश, ये भी आप जान जाइए, ये भी पूछ सकता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, काटो और जलाओ, और इसे कहते स्लैश और बर्न और फायर फैलो एग्रीकल्चर भी इसे कहा जाता है, फायर फैलो एग्रीकल्चर। ये ट्राइबल ग्रुप में पाया जाता है, खास करके अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पहाड़ी एरिया में नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज्यादा पाया जाता है ये। इसमें क्या है कि ये सबसे पुरानी फार्मिंग का तरीका है, जिससे कि पुराने प्रिमिटिव जो पुराने हथियार होते थे उसके साथ किया जाता था। और यहाँ पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है एग्रीकल्चर सिस्टम में, जिसमें कि किसी भी पीस ऑफ लैंड को खेती की जाती है और उसके बाद कुछ समय के बाद उसको छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी जगह पर खेती शुरू की जाती है। ये यहाँ प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है, इसमें कमर्शियल फार्मिंग है, जिसमें एक ही क्रॉप पूरे साल उगाया जाता है। और ये इंटेंसिव फार्मिंग होता है, जहाँ पर कि लैंड का यूज बहुत इंटेंसिव गहन रूप में होता है और यील्ड ज्यादा होता है, उपज ज्यादा होती है। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर को हम दूसरे कलर से फिर से लिख दे रहे हैं, आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मीन द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल। किस राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? तो इसका आंसर झारखंड है। झारखंड में तोरंग का अर्थ जंगल है, झारखंड स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, सब तो कुछ जीके का क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग। हेल्प्स ए पर्सन टू इन डेवलपिंग द एबिलिटीज एंड स्किल फॉर। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है? हेल्प करता है किसी पर्सन को क्या सोचने में, मदद करता है। तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड इन्फरेंस, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और अनुमान, प्रोवाइडिंग कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ठोस अनुभव प्रदान करना, थिंकिंग अबाउट वेज ऑफ रिएक्टिंग, प्रतिक्रिया करने के तरीकों के बारे में सोचना या कुछ और बनाना। तो हम लोग बहुत तरह की थिंकिंग को जानते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हमें कुछ बताना है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब भी होता है कि किसी भी चीज का उचित प्रॉपर एनालिसिस करना, एवेल्युएशन करना, इन्फरेंस निकालना, एक्सप्लेनेशन करना। इसलिए इसका आंसर तो होगा पहला। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी अनफेमिलियर सिचुएशन या नया सिचुएशन में लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिक को अप्लाई करने में मदद करता है या योग्यता प्रदान करता है। ये किसी भी चीज को जज करना, एनालाइज करना, किसी भी फैक्ट को, किसी भी इवेंट को एनालाइज करना, ये सब चीजें क्रिटिकल थिंकिंग होती है। एक तरह का प्रोसेस है जो कि भारत किसी भी व्यक्ति को अपने रिफ्लेक्टिव, रीजनेबल, रैशनल थिंकिंग को यूज करने के लिए बाध्य करता है। किसी भी चीज को इवेल्युएट करने में, किसी भी चीज के मूल्यांकन करने में ये करता है। थिंकिंग क्रिटिकली जो है ना, ये क्या करता है कि थिंग्स को ओपन माइंड से देखना, उसको खुले दिमाग से, बायस्ड होके नहीं देखना कि आपका ओपिनियन बायस्ड हो जाए। खुले दिमाग से देखना, उसका हर प्रॉस एंड कॉन्स को देखना और उसके बाद उसके बारे में अपना विचार प्रकट करना। या किसी भी व्यक्ति को क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है, क्या योग्यता को विकास करने में मदद करता है,
ये टू अप्रोच एन इशू ओपन एंडेड माइंड से उसको डिस्कस करने में मदद करता है, किसी भी इशू को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में मदद करता है, कि ये भी समझने में मदद करता है कि कैसे किसी उनके जीवन से ये इशू जुड़ा हुआ है। ये लॉजिकल कनेक्शन बनाने में मदद करता है और अब इंसाइट को बढ़ाता है, सूझ को बढ़ाता है। और इसके अलावा ये गिवेन रॉ डाटा से, कोई भी आंकड़े से कंक्लूजन या इंफॉर्मेशन ड्रॉ करने में मदद करता है और किसी भी चीज को प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करने में मदद करता है, इवेल्युएशन करने में मदद करता है। इसलिए इसका आंसर हो गया ए। ये भी एक क्वेश्चन था कि ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया, दे मार्क देयर एरिया बाय, प्रत्येक बाघ का अपना क्षेत्र होता है और वो अपने क्षेत्र को किस चीज से चिन्हित करते हैं। तो इसमें चार आपके ऑप्शन है, पहला है सलाइवा जिसे हम लार कहते हैं, लार, दूसरा है पैरों के निशान, तीसरा है यूरिन और चौथा है डंग मतलब गोबर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा यूरिन। क्यों? क्योंकि ये टाइगर जो है ना वो अपने यूरिन से किसी भी एरिया को, अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं, क्योंकि वो टाइगर जो है ना वो 6 टाइम बेटर देख सकता है किसी भी, हम लोग से ज्यादा अच्छा, 6 गुना अच्छा देख सकता है। और वो किसी भी चीज को उसके अपने जो विस्कर्स होते हैं, जो उसके मूछें होती हैं, जो रोआ होता है मुंह के पास, उससे वो किसी भी वाइब्रेशन या किसी भी मूवमेंट को वो पकड़ पाता है। और उसका हियरिंग भी बहुत शार्प होता है, सुनने की शक्ति भी बहुत शार्प होती है। और टाइगर का कान जो है ना वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे कि वो चारों तरफ के साउंड को सुन सकता है और वो डिफरेंट साउंड भी प्रोड्यूस करता है अलग अलग पर्पस के लिए। और वो अपना एरिया जो है वो यूरिन से डिफाइन करता है, चिन्हित करता है, क्योंकि उसके बाद वो उसके स्मेल से अपने एरिया को पहचान लेता है। टाइगर जब भी कोई दूसरा टाइगर उसके एरिया में आ जाता है तो वो यूरिन के स्मेल से अपने एरिया को पहचानता है। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट वन, विच बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ ए क्रो, कौवे के घोंसले में कौन सा पक्षी अंडे देता है, कुकू, कोयल जिसको हम कहते हैं, स्पैरो, गौरैया, वीवर बर्ड या काइट या पतंग। तो हम इसका आंसर है कुकू, कोयल। कोयल जो है ना वो कौवे के नेस्ट में जाकर अपने अंडे देती है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ये कौवा के नेस्ट में अंडा देता है। और ये क्या होता है, जब अंडा देने का वक्त होता है तो ये कौवे के नेस्ट में घोंसले में फ्लाई करके चली जाती है और अपने एग को वहां ले डाल मतलब अंडे दे देती है और फिर उड़ जाती है। तो इसका आंसर है कोयल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।